मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चार धाम बस यात्रा के खाई में गिरने के बाद बचाव कार्यों का जायजा लेने रविवार रात देहरादून पहुंचे। आपको बता दें कि बस मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी। हादसे में कम से कम 26 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। चौहान ने देहरादून पहुंचने के बाद अधिकारियों के साथ अहम बैठक की व हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। आपको बता दें कि हादसे में घायल लोगों को मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, तो वहीं अभी भी दो लोगों की तलाश जारी है। इसके साथ ही चौहान ने कहा कि मृतकों का पोस्टमार्टम करने पर चर्चा हुई या निर्णय लिया गया कि उन्हें पोस्टमार्टम के लिए देहरादून ले जाया जाएगा। हम रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं, हम रिश्तेदारों की इच्छा के अनुसार उन्हें परिवहन की व्यवस्था करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम ने तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक को 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की और 26 लोगों की जान लेने वाली इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।